सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। बोलो कैसे हो सारे? हेयर कट वगैरह की नीड पड़ गई है। अभी मैं जा रहा हूँ तरुण भैया के पास, गाड़ी में काम कर रहा हूँ। गाड़ी का पॉल्यूशन भी ख़त्म हो रहा है आज ही, उसको भी रिन्यूएट कराना है। चलते हैं, धूप बहुत है, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन गाड़ी का काम कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, पूरी हालत ख़राब है। मेन वीडियो मैं इसकी राही पे शूट करूँगा, वहाँ पे आपको देखना है, राधे राधे, वहाँ पे आपको देखनी, ठीक है? मेन राही पे मिलेगी। यहाँ मैं आपको दिखा दूँगा, दिखा दी मैंने गाड़ी गंदी है, और आफ्टर लुक भी दिखा दूँगा, लेकिन जो गाड़ी की एक्चुअल लुक निकल के आई है और क्यों आई है वो आपको मैं दिखेगी राही पे, ठीक है? अभी गाड़ी के अंदर चलते। गाड़ी ऐसा नहीं है कि बाहर बाहर से गंदी है, गाड़ी अंदर से ही पूरी गंदी है, ठीक है? पॉल्यूशन ख़त्म हो रहा है आज रात, आज लास्ट है। और गाड़ी की हालत तो देखो, गाड़ी भी करवाएंगे आज, पूरा काम करवाएंगे, इसका पॉल्यूशन हो जाए पहले इसका बढ़िया से, क्योंकि लास्ट अभी सर्विस करवाई है। बम्पर वम्पर सब लूज़ पड़े हुए हैं, करवाते हैं आज का, आज का दिन टाइम मिला है, पूरी गाड़ी को ठीक कराएंगे। क्योंकि गंदे भैया नहीं बोल दिया, अब तो भाई गाड़ी धुलवा लो, पॉल्यूशन तो एक ही बार में होके आ गया था। 14 मॉडल है ना? हाँ, 14 दिसंबर का मॉडल है ये, और भैया कह रहे गाड़ी तो नहीं है, पॉल्यूशन भी एक बार में होके हो गया, लेकिन गाड़ी दिखने में हाथ गंदी लग रही है भैया को भी। चलो ये अच्छा भैया, एक साल का होगा ना ये तो अपना? चलो डीजल गाड़ियों का होता है 3-3, 6-6 महीने का ना। साइड कुछ काम से आया हुआ था, ठीक है? फिर मेरे को यहाँ पुलिस वाले अंकल ने पकड़ लिया, गाड़ी गंदी हो रही है, क्योंकि एक और भी खड़े आकर रुको, अभी पीछे अंकल नहीं पकड़ लिया था, पुलिस वाले अंकल ने धौला कुआं की तरफ कुछ काम से आया हुआ था, मैं उन्होंने रोक लिया। अब उन्होंने रोक लिया तो मैंने देख लिया भाई, उन्होंने कहा बोला पेपर वेपर दिखा दो, मैं अपने पेपर दिखा दिए। जब पेपर दिखाए तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं पॉल्यूशन दिखाऊँ, भाई उन्होंने पॉल्यूशन दिखा दिया, और लकीली पॉल्यूशन आज ही ख़त्म हो रहा था। कहता भाई बच गया तू एक दिन से, मैंने कहा सही कह रहा है, सही बच गया भाई हम तो, मतलब मैंने जो कि जब है ख़त्म हो ही रहा है, कल ही ख़त्म हो रहा है, कल क्या मतलब आज रात तू 12 बजे तक वेलेट था। मैंने कहा ठीक है भाई अभी क्या भी कराओ, फिर मैंने लगे हाथ उसको भी जो है अपना अपग्रेड करा लिया है, पॉल्यूशन भी अपना नक्की हो गया है। अब हम चल रहे हैं तरुण भैया के पास, वहाँ पर जाके जो है अपना वो करेंगे, क्या इस गाड़ी की डिटेलिंग होगी आज, और इसकी पूरी डेडिकेटेड वीडियो आपको राही पे देखने के लिए मिलेगी, जिसमें कि एक नंबर काम होगा, क्योंकि मुझे पता है गाड़ी को बहुत बुरी हालत है, तो इस बुरी हालत को एकदम ओके की रिपोर्ट आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा, कैसे हुई वो देखने के लिए आपको जो है राही वाला चलते। सो यहाँ पे पहुँच गए हम एम्बियन स्मॉल बॉल, तरुण भैया के पास जा रहे हैं, लेट्स सी कितना टाइम लग जाता है अपने को। वैसे तो ये लंबा ही प्रोसीजर है, टाइम ज़्यादा लगेगा इस काम में पूरा अपने को। एंट्री नंबर 2 के अंदर आना है आपको, ठीक है? आइए देखते रहो, पता लग जाएगा कहाँ से एंट्री लेनी है भैया के पास जाने के लिए। ओह आराम से, स्पीड ब्रेकर में आराम से। अरे अंकल निकाल लो, अच्छा सैटरडे है, थोड़ी भीड़ ज़्यादा है मॉल में शायद से। चलो इससे मॉल में एंट्री करते हैं ना, तो एंट्री नंबर 2 है हमें शायद रखना, अगर आओगे तो। और भैया तुरंत गए काम जबरदस्त है यार, वो तो आपको इस गाड़ी में आगे आपको देखने के लिए मिली रही है तो लीला करके। ये देखो अंकल जी गलत सलाह आ रहे हैं, ये PVR वाला साइड नहीं, यहाँ से एंट्री नहीं है, इसके आगे वाले से है मेरे शायद, नहीं यही है एंट्री गेट नंबर 2, ये दिखा ना गेट नंबर 2 वहाँ पे ग्रीन सा, वो अंकल ने बैरिकेडिंग हटाई गेट नंबर 2 की, एंट्री नंबर 2 की, ये रहा एंट्री नंबर 2 बेसमेंट का। ओए ओए ओए, स्पीड ब्रेकर बहुत बना रखे हैं। ओए जब भी चमकता तो कुछ दिखता नहीं है ना ऐसे में, तो चश्मा पहन लो कुछ भी पहन लो नहीं दिखता। चलो अभी 50 रुपये की पार्किंग है, और अगर पर्ची खोद दे 200 रुपये का उसका चार्ज है। सो यहाँ पे अपनी गाड़ी अब आएगी अंदर, इसके ऊपर होगा पूरा काम। गाड़ी की हालत थोड़ी गंदी है इस टाइम पे, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा गंदी है यार गाड़ी की हालत, तो ये री कुछ ऐसे नज़र आती है। ये भी अपनी वॉश पूरी वॉशिंग कैसे हुई क्या हुई सारा आपको राही पे देखने के लिए मिलेगा। गाड़ी के लोग देख लो जबरदस्त आई है, तो ऊपर गाड़ी में काम वाम चल रहा है गाड़ी में ऊपर। तरुण भैया और मैं नीचे आके थोड़ा जूस भी देख ले, मेरा भैया मैं डाइट हूँ, भैया कह रहे तो जूस पी के आएंगे, हम जूस पीने आए थे नीचे बढ़िया से। बाकी ये अपनी लीला की बैक साइड है, अबे अपनी एंट्री 2 नंबर गेट से है ना? हाँ 2 नंबर गेट, 2 नंबर से, तो मैंने वो दिखा भी दिया था आप लोगों को, आओगे 2 नंबर से आ जाना बढ़िया। 5 नंबर है, हाँ ये 5 नंबर है, यहाँ से हमारी वॉकिंग वॉकिंग एंट्री है। उसी काम चल रहा है, तरुण भैया ने खाना नहीं खाया था, अब खाना खा रहे हैं,
पर यहाँ बन रही है अपनी फेवरेट चाय। ये क्या निकाल दिया भैया? मैं नहीं खा रहा आजकल, सब बंद है बाहर का, हम चाय पियेंगे खाली। नहीं भैया आप खाओ, आप करो आराम से, हमने छोड़ा है आजकल सब कुछ छोड़ दिया मैंने, बार बार का सब बंद कर दिया, घर में खा दो थोड़ा बहुत बस। आप खाओ, मैं बस चाय पीऊंगा, चाय बन रही है। डाइटिंग का कोई प्रोग्राम ठीक नहीं रहता। अच्छा एंजॉय करो, कब क्या हो जाए नहीं पता। ये बात भी सही बोली भैया ने। लुक निकल के आई है गाड़ी की, पूरी वीडियो आपको राही पे देखने के लिए मिलेगी, जबरदस्त डिटेल में वीडियो उसी में आएगी। गाड़ी का तो काम हो गया कंप्लीट, ठीक है। भैया मुझे अपनी गाड़ी दिखा रहे हैं, भैया ने कब करी थी इस पे? गंदी गाड़ी है पूरी, ठीक है। सारा पानी उतर गया, ठीक है। आगे आगे दिखाता हूँ, बोनट पे, आगे बोनट पे भी दिखाते हैं। मतलब ये लगा लो कि इतना तो मेरी गाड़ी पे भी नहीं रुकता, मतलब मेरी गाड़ी पे काफी पानी रुक जाता है। यहाँ देख लो पूरी डस्ट जमा हो रखी गाड़ी पे, ठीक है। ये जो डॉटेड ये ड्रॉपलेट बन गए ना, यही खासियत होती है इनकी, मेरी गाड़ी पे नहीं बनते। अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम उस पर बनेंगे। चलो यहाँ से निकल तो मैं गया हूँ, लेकिन मेरे को ना सही नहीं लग रहा, मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा, मतलब कुछ गड़बड़ है गाड़ी में, गड़बड़ नहीं है अपने साथ, गड़बड़ लग रही है कुछ, तबीयत ठीक नहीं लग रही है।